मैं ज्ञानी हूँ, हो सकता है किसी का नाम न जानता हूँ,
यह नाम लेना छूट जाए तो इसलिए मैं सभी भाइयों को एक तरफ से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और सभी छोटे भाइयों को अपने सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी माताएं बहने जितनी देवी स्वरूपा में आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस सेवक का सबको प्रणाम है। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस पद तक के पहुँचाया है। मैंने आप लोगों से एक मांग की थी, मुझे अपना सेवक बना दीजिए। आप लोगों ने पूर्ण रूप से पूरे जोर तोर के साथ मेरा सहयोग करके मेरा साथ दे करके आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे रूप से जिताया है। मैं आप सभी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा और ये कामना करता हूँ कि भगवान एक बार कहीं ऐसा अवसर दे कि आप लोग जिस चीज को अपने सोते समय सोचने कि सुबह हमारा ये काम हो जाता तो अच्छा रहता, इस सेवक को वो संपूर्ण आभारी प्रदान करें कि आप लोगों की हर सेवाओं को मैं बात मुझसे निकलते ही मैं पूर्ण करने की कोशिश करूं और थोड़ा पूर्ण हो। इसके लिए मैं भगवान से एक याचना करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हे माँ भवानी एक बार इस सेवक को वो शक्ति दे कि अपने मालिकों की उस पूर्ण रूप से सेवा कर सके और हम अपने आदिल रूपा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि अपने चुनाव के साथ में अपने प्रचार प्रसार के साथ में मेरे प्रचार को बनाए रखा और मुझे सुनने मिलता था कि सभी कहते थे तीनों में नंबर एक पे। ये मुझे बात सुनने मिली थी कि तीनों में नंबर एक पे, क्योंकि आई नंबर एक पे थी, उजाता हुआ किसान नंबर एक पे था और कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस गांव का महत्व है। चलिए ठीक है, इसी के लिए अपने बारी को विराम लेते हैं। पुनः हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ, अपने इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, क्योंकि यह सेवक के हाथ में जो कुछ है स्वयं मैं अपना जो कुछ कर सकता हूँ वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जिला पंचायत का सदस्य का खाता भी नहीं खुलता है और फिर आगे क्या बताऊँ, आप सब लोग समझदार हैं। जिस प्रकार से सेवा होगी मैं सदैव आप लोगों की सेवा में लगा रहूंगा। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। हाँ, ये जाना है।